जी बताइए आपका नाम क्या है? ताइजुल हक। ताइजुल हक साहब, आप यहाँ पे हम लोग एक मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं, आपके पीछे में एक मस्जिद है यहाँ पर। 1983 में 1983 में जो दंगा हुआ था यहाँ पर, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, आपके सामने हुआ था। हमारा सामने हुआ। हाँ, कैसे क्या हुआ था, कुछ याद करेंगे आप, कैसे क्या हुआ था? हुआ है धरिए सुबह 7 बजे। जी जी, सुबह 7 बजे चारों तरफ से मानो आता है, आकर के चारों तरफ से जब हमारा गांव में मानो ढूक गया तो पूरा बस्ती जला दिया। पूरा बस्ती जब जला दिया तो आदमी लोग कहाँ जाएगा, सब पत्थर में चला गया। पत्थर में जा करके एक जगह में सब जमा हो गया, तो पूरा गांव जब जला दिया। पीछे आदमी लोग को पत्थर में जब चला गया है तो आदमी लोग को, आदमी जो लोग आया है उग्रपंथी मारने के लिए, उन लोग हम लोग को ऊपर हमला दिया, मारा है। तो मारते मारते धोए सुबह 9 बजे से आदमी मारता है, 3 बजे तक ले। अच्छा, 3 बजे तक ले मैंने आदमी मारता है, उन लोग दौड़ाता है मारता है। तो 3 बजे का पीछे जब आर्मी आ गया तो उन लोग भागा है, तो बाकी जितनी आदमी रहा वो बच गया। तो इस मस्जिद में भी बहुत सारे लोग छुपे होंगे आकर उसको? तो मस्जिद में आदमी लोग रहा। हाँ, कितने लोग आए होंगे? बहुत बहुत है, एकदम कम से कम 1000 से ऊपर लोग रहा। आप भी थे इसमें? हम भी यहाँ था। इस मस्जिद को भी जला दिया गया था? मस्जिद जलाने को लिए उन लोग आ गया, तो हम लोग मस्जिद से निकाल करके हम पत्थर में चला गया। अच्छा अच्छा। तो मस्जिद जला दिया, मदरसा भी जला दिया, स्कूल भी जला दिया, और आदमी लोग जितनी मकाम है सब जला दिया। आपके घर में भी कुछ नुकसान हुआ था? आपके आपके घर में कुछ जख्मी हुआ था? हमारा घर में हमको 2 लड़का मर गया। अच्छा, बेटा बेटा अच्छा। बेटा लड़का 2 मर गया। हमारा माँ भी मर गया। हमारा भाई का बहू मर गया, और हमारा भतीजी मर गया। 5 आदमी मर गया हमारा घर। सब लोग भागते हुए मतलब मारे गए थे? पत्थर में भाग गया। तो वो पहाड़ी में, पहाड़ी ओ पत्थर में गया है। तो दौड़ा के धोरा है, जिसको सामने पड़ गया इसको मार दिया। जिसको दौड़ के थोड़ा चल गया वो बच गया। ऐसी हालत हुआ है, बुरा आदमी है, लड़का बच्चा है, उन लोग तो जाने नहीं सकता है, उन लोग बेसी मार दिया। ऐसे घटना हुआ। तो आपके घर से 4-5 लोग, पांच लोग मरे जी। सरकार ने क्या दिया आपको? 5000 करके रुपया दिया है एक आदमी। अच्छा, हम लोग दावी किया 1 लाख करके रुपया देने होगा। तो सरकार बोला है एककालीन 5000 दे देगा, इसे क्या होगा कुछ करेगा। आज तक ले कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग को मार के एजेपी सरकार हुआ है, तो उन लोग को 30000 रुपया करके दिया है, जो उन लोग हम लोग को मारा है उन लोग को। अच्छा, जो मारे उनको जो लोग हम लोग को मारा है। हाँ? उन लोग को एजेपी सरकार 30000 रुपया दिया है मारने के लिए, हम लोग को मारने के लिए। अच्छा, और एक प्रत्येक घर में एक्टिव करके नौकरी दिया है। अच्छा, तो हम लोग को कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस सरकार था लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया है। वो जो नेली में जो हादसा हुआ था 83 में, तो उसके बाद इंदिरा गांधी भी यहाँ आई। इंदिरा गांधी भी आया है। क्या कहा था इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी जब आया है इस गांव में आई थी? यहाँ इस गांव में नहीं है, नेली में आया है। हाँ, नेली में आई थी। क्या कहा था? आप लोग गए होंगे उस भाषण में? हम तो कैम्प, सारा आदमी कैम्प में रहा वहाँ। तो इंदिरा गांधी के पास हम लोग बोला है कि हम लोग यहाँ नहीं रहेगा, हम लोग को ब्लैक जगह में ले जाइए, यहाँ हम लोग रहेगा नहीं। तो उन लोग इंदिरा गांधी हम लोग को बोला है जो आप लोग यहाँ रहिए, आप लोग को क्या असुविधा है, रास्ता है, घाट है, घर द्वार सब जला दिया, सब कुछ हम देगा। अच्छा, जितनी सुविधा आप लोग को लाएगा सब हम देगा, आप लोग यहाँ ही रहिए, आर्मी दे करके आप लोग को निरापद यहाँ रहेगा। क्या ऐसे बोला है हम लोग? हाँ, लेकिन जो इंदिरा गांधी ने वादा किया था वो तो उसमें से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं हुआ। देखिए तो रास्ता घाट का क्या हालत है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है, पानी जोगान नहीं है, हर चीज के लिए हालत खराब है हम लोग के लिए।